Bismillahirrahmanirrahim. Today topic is what are employees relationship and why are they important. Aaj ka hamara topic hai ji ke employees ka taluqat wo kya hai aur wo kisi bhi idare ke liye kyun zaruri hai. Employee relations and communications are some of the main factors that influence employee satisfaction and engagement. Employees relation और कम्युनिकेशन एक ऐसा मेन फैक्टर है, एक ऐसी चीज है जो आपके एम्प्लॉयज को ना सिर्फ सेटिस्फाई करती है, सेटिस्फाई रखती है, बल्कि वो एंगेज भी रहती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन का वो काम करें. देयरफॉर मेनी कंपनीज टुडे इन्वेस्ट मोर रिसोर्स टू इंप्रूव एम्प्लॉयज रिलेशन एंड कीप देयर वर्क प्लेस हेल्दी. और इसी वजह से आजकल कुछ कंपनी ऐसी हैं जो इस बात पर तवज्जो देते हुए अपने कंपनीज में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करती हैं, ना सिर्फ एम्प्लॉयज रिलेशन को बेहतर करने के लिए, बल्कि उनकी कोशिश होती है कि उनका जो वर्क प्लेस है जहां पे लोग काम कर रहे हैं वो हेल्दी भी रहे, ताकि लोग एंगेज रहें. सो व्हाट आर द एम्प्लॉयज रिलेशनशिप. एम्प्लॉयज relations is a term used to describe relations between employer and employee. Employees relations ek aisi term hai jo aam taur pe istemal ki jati hai ke malik aur naukar, malik aur mulazim, malik aur kaam karne wale ke darmiyan jo taluqat hain. The main goal of every employee relations strategy is to improve relationship and collaboration in the workplace. Asal cheez kya hai, har ke malik koshish ye karta hai ki aap wo employee mein aur kaam karne wale logon ke darmiyan maximum relation ko behtar kare, aur jitna relationship behtar hoga ultimately company ko hi fayda hoga. Saat mukhtalif reason hai jiski wajah se hum samajhte hain ki relationship jo hai wo इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले एम्प्लॉय एंगेजमेंट. आपका जितना भी रिलेशनशिप बेहतर होगा आपका एम्प्लॉय उतना ही मैक्सिमम एंगेज होगा. बहुत सारी स्टडीज हुई जिन पर यह बात साबित की गई कि जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट है वो अल्टीमेटली बेहतर होती है अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप बेहतर. सेकेंड हमारा ख्याल है कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, कि जो जो आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान रिलेशनशिप बढ़ते हैं, बेहतर होते हैं, एम्प्लॉयज के दरमियान सेटिस्फेक्शन भी बेहतर होती चली जाती है. थर्ड वन इज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, कि जो जो ये सेटिस्फेक्शन बेहतर होगी एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी. फिर आज एम्प्लॉय रिटेंशन, कि जो जो रिलेशनशिप बेहतर होंगे कंपनी का टर्नओवर कम होगा और मुलाजम उतना ही ज्यादा अपनी कंपनी में रहेगा, रिटेन करेगा, रिटेंशन उसकी आपकी बढ़ेगी. नेक्स्ट है एम्प्लॉय एडवोकेसी. एडवोकेसी एम्प्लॉयज एडवोकेसी मीन बेनिफिट मे कंपनीज आर ट्राइंग टू अचीव, कि वो चीजें जो कंपनी हासिल करना चाहती है वो आपको मैक्सिमम मिलती हैं अगर आपके ताल्लुकात रिलेशनशिप बेहतर हो. नेक्स्ट है जी एम्प्लॉय एक्सपीरियंस. एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन जो है वो गुड एक्सपीरियंस, बेहतर एक्सपीरियंस देती है और आपका जो वर्क प्लेस है वो हेल्दी भी रहती है और बेहतर भी रहती है. और इसके अलावा है जी एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट, कि जो जो आपकी रिलेशनशिप बेहतर होते हैं आपका एम्प्लॉय अपने आप को इम्पावर समझता है, बेहतर समझता है, यानी कि वो ये समझता है कि ये कंपनी मेरी ही है, मैं ही हूं, मेरे में कंपनी में कोई फर्क नहीं है, तो वो अपनी कंपनी के लिए मेहनत से, जान से, दिलो जान से काम करता है. नेक्स्ट है हाउ टू इंप्लीमेंट एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स. यहां तक कोई इश्यू जी, एनी क्वेश्चन जो आप करना चाह रहे हो.
Next study, how implement an employer relationship plan. आप ये जो प्लान बनाते हैं आप उसको इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले कह रहे हैं हमने क्या करना है, द वेरी फर्स्ट स्टेप टूवर्ड प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अ सक्सेसफुल एम्प्लॉयर रिलेशनशिप स्ट्रेटेजी इज टू हैव अ सेट ऑफ क्लियरली रिटन पॉलिसीज. मतलब कि सबसे पहले जो आपकी जो पॉलिसीज है वो रिटन हो और क्लियर हो, एम्बिग्युटी ना हो, दोनों को एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज को पता हो कि उन्होंने क्या करना है. सेकेंड, एम्प्लॉयर रिलेशन पॉलिसीज शुड डिस्क्राइब द एम्प्लॉयर्स साइकोलॉजी, फिलोसफी, रूल्स एंड प्रोसीजर्स. कि एम्प्लॉयर की साइकोलॉजी क्या है, सोच क्या रहा है, वो चाहता क्या है, उसका फलसफा क्या है, उसके कानून क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये सब कुछ वेरी क्लियर होना चाहिए ताकि किसी भी तरफ से कोई इशू ना हो. फिर एम्प्लॉयर रिलेशन प्रोग्राम वेरी बेस्ड ऑन कंपनी साइज, लोकेशन, इंडस्ट्री, कल्चर एंड अदर फैक्टर. रिलेशनशिप प्रोग्राम जो है वो वेरी करेगा हर ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर, उसकी लोकेशन पर, उसके कल्चर पर और दूसरे फैक्टर्स पर कि वो कहाँ है. मसलन एक कंपनी लाहौर में काम कर रही है, कल्चर की वजह से हो सकता है उसकी डिमांड कुछ और हो. एक किसी गांव में काम कर रही है, जो कंपनी पिशावर में काम कर रही है, जो कंपनी केपी में काम कर रही है, जो कराची में काम कर रही है, सऊदी अरब में काम कर रही है, अमेरिका में काम कर रही है, यूरोप में काम कर रही है, तो हर एक ही लहदा लहदा सिचुएशन होंगी, मजबूरियां होंगी, कल्चर होगा, उस हिसाब से फिर वो चीजें अफेक्ट करेंगी. या तो कोई शुड एनी क्वेश्चन यू वांट यू कैन आस्क.